वेलकम टू आवर YouTube चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट इंजीनियरिंग गुरुजी। आज हम लोग M.C.C.B के बारे में जानेंगे, जैसे कि M.C.C.B क्या है, ये वर्क कैसे करता है और M.C.C.B की कितने टाइप है। इन सभी पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आप अगर पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी को पूरे दिल से थैंक यू। अब हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलो कुछ नया सीख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं M.C.C.B क्या है। M.C.C.B का पूरा नाम मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। M.C.C.B भी R.C.C.B और M.C.B के जैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट सेफ्टी डिवाइस है। M.C.C.B का यूज हेवी करंट रिक्वायर्ड के लिए होता है, या यूं कहते हैं जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हेवी लोड होता है उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में M.C.C.B का यूज होता है। M.C.C.B हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग ये जानते हैं M.C.C.B वर्क कैसे करता है, या यूं कहते हैं M.C.C.B हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कैसे करता है। M.C.C.B बायोमेटेलिक स्ट्रिप सेंसिंग कॉइल रिले और सन ट्रिप कॉइल के वजह से वर्क करता है। चलो अब M.C.C.B के वर्क को डायग्राम से समझते हैं। ये एक M.C.C.B का डायग्राम है। अब मान लेते हैं M.C.C.B के सर्किट में 100 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, या यूं कहते हैं हमारे घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फुल लोड पर चल रहा है। अब यदि 50 एम्पीयर लोड और बढ़ा देते हैं तो इस सिचुएशन में M.C.C.B में लगा बायोमेटेलिक स्ट्रिप हीट होने लगेगा, जिससे M.C.C.B ट्रिप हो जाता है। इस तरह से M.C.C.B ओवरलोड में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। इसको ही ओवरलोड ट्रिप या थर्मल ट्रिप बोला जाता है। दोस्तों, बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या है और ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में फुल डिटेल्स हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। आप लोग उस वीडियो को ऊपर आई बटन दबाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब मान लेते हैं हमारे घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फुल लोड पर चल रहा है। यदि लोड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सेंसिंग कॉइल में मैग्नेटिक पावर जनरेट होने लगता है, जिससे रिले एक्टिव हो जाता है और M.C.C.B ट्रिप हो जाता है। इस तरह से शॉर्ट सर्किट होने पर M.C.C.B हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। इसको ही शॉर्ट सर्किट ट्रिप या मैग्नेटिकल ट्रिप बोलते हैं। M.C.C.B में एक स्पेशल फंक्शन होता है, इस फंक्शन को सन ट्रिप बोला जाता है। इसका यूज रिमोट या इमरजेंसी के टाइम किया जाता है। अब मान लेते हैं इमरजेंसी के टाइम हमको कंट्रोल रूम से M.C.C.B को ट्रिप करना है तो सन ट्रिप का यूज करते हैं। जैसे ही कंट्रोल रूम से इमरजेंसी स्विच को ऑन करते हैं, M.C.C.B में लगा सन ट्रिप कॉइल M.C.C.B को ट्रिप कर देता है। इस तरह से M.C.C.B वर्क करता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोलर M.C.C.B भी आते हैं, उनमें अभी तक हमने जो फंक्शन बताया वो तो होता ही है, और भी कुछ एडिशनल फंक्शन होता है, जैसे कि ओवर वोल्टेज ट्रिप, अंडर ओवर फ्रीक्वेंसी ट्रिप, करंट अनबैलेंस ट्रिप, रिवर्स पावर ट्रिप, पावर फैक्टर ट्रिप। अब हम लोग M.C.C.B के टाइप के बारे में जान लेते हैं। M.C.C.B 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल में आता है। M.C.C.B का जो रेटिंग होता है वो अप टू 1000 एम्पेयर होता है, और इसका ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी 10 किलोवाट से 100 किलोवाट तक होता है। M.C.C.B का जो रेटिंग 1000 एम्पेयर होता है उसको हम वेरी भी कर सकते हैं, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।